कर रहे थे कि उन्होंने कहा है कि ओरल सेक्स जो है वो हलाल है। ये एक इस्लामिक चैनल है जो इस्लाम को प्रमोट करते हैं और इस्लाम की पाक बातें वहां होनी चाहिए, मगर वहां पर बूब सकिंग और पता नहीं क्या क्या सकिंग और पता नहीं क्या क्या चूसने की बातें हो रही थी कि मेरे भी कानों से धुआं निकल रहा। ठीक है ना, तुम लोग अपनी बहनों के ऊपर तो चढ़े आते हो, घर में अपनी बच्चियों के ऊपर चढ़ रहे हो और फिर आगे मुझको यहाँ बकवास कर रहे हो। तो अभी एक बंदा पकड़ा गया है पाकिस्तान में, मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी उस दिन, अपनी बेटी के ऊपर चढ़ा हुआ था। आज इस पाकिस्तान के एक लड़के ने भाई मौलाना की सारी पोल पट्टी खोल दी है और मौलाना की ऐसी इतनी गंदी गंदी हरकतें सुनकर आप लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाओगे भाई। वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम मिलते हैं वीडियो के बाद। अच्छा, मैं आपको शेयर स्क्रीन करके दिखा रही हूँ। तो ये एक साहब है, ये चलाते हैं ये खत्म नबूवत फोरम, इनका नाम मुझे पता नहीं कौन से मौलवी साहब है ये राइट। तो कल इनकी ये लाइव है, ये जाके जरूर देखिएगा, इनको मेरी तरफ से काफी व्यूज मिल जाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पे इनको रेकमेंड कर रही हूँ। सो इनकी मैं लाइव स्ट्रीम सुन रही थी, तो जब मैं एंटर हुई हूँ तो उस वक्त बातें चल रही थी ओरल सेक्स पे। ये सुन के तो मेरे कानों में से वैसे ही धुआं निकलना शुरू हो गया। I was like, what? मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसे मुसलमान इस्लामी चैनल पे ये ओरल सेक्स की बातें क्यों हो रही है? और ये जो हमारे मौलवी साहब हैं जिनकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये साहब जो है ये वहां पे बैठ के ओरल सेक्स पे बातें कर रहे थे। इंजीनियर अली हैं क्या, इंजीनियर मिर्जा जी, उनकी बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा है कि ओरल सेक्स जो है वो हलाल है। ये एक इस्लामिक चैनल है जो इस्लाम को प्रमोट करते हैं और इस्लाम की पाक बातें वहां होनी चाहिए, मगर वहां पर बूब सकिंग और पता नहीं क्या क्या सकिंग और पता नहीं क्या क्या चूसने की बातें हो रही थी कि मेरे भी कानों से धुआं निकल रहा। मौलवी साहब के पिक्चर्स पे व्यूज ले रही हो? हाँ नहीं, बस हमको, हम मौलवी साहब की तस्वीरें लगा के व्यूज लेते हैं और आपके मौलवी साहब ओरल सेक्स और चूसने की बातें करके व्यूज खेल रहे हैं। वाह क्या आलीशान है, पाक लोग। और मौलवी साहब कैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इस्लामिक चैनल्स कैसे इकट्ठे कर रहे हैं व्यूज, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैंने ये अपनी लास्ट स्ट्रीम, अगर आप देखोगे फ्राइडे की स्ट्रीम है, उसमें आपको दिख जाएगा कि मौलवी साहब लोग जो कैसे व्यूज इकट्ठे कर रहे हैं। अब आप देख लो मेरे साथ, ठीक है ना? और अगर थोड़ा सा भी शर्म हो ना आपके अंदर तो चुल्लू भर पानी लेना और उसके अंदर डूब मरना, ठीक है, मुझसे ये बोलने से पहले, ठीक है? नहीं होगी, मगर आपके अंदर शर्म तो है नहीं, वरना ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ये देखिए, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, जब चाहो आ जाओ। ये सहारा और इस्लाम ऑनलाइन, ये मैंने आपको दिखाए थे लास्ट टाइम। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये जो ये देखिए, लड़की कब लन हाथ में पकड़कर खुदी में लेती है, वाह। जाहिल, पता नहीं कौन से गांव का ये जाहिल मौलवी है जिसको बिठा दिया है वहां पर, वो बैठ के बातें करे। और ये आए हैं देखिए फरकान जी, इनके इस्लाम में कुरान में ये सिखाया जाता है, छोपा लगाओ, रंडीबाजी, बच्चाबाजी, सेक्स स्लेव्स, लौंडियां रखना। ये फरकान भुट्टा जो है ना, ये सीख कर आ रहे हैं क्योंकि इनके मदरसों में जब ये जाते हैं ना कुरान पढ़ने, तो सबसे पहले मौलवी साहब कहते हैं बेटा बिस्मिल्लाह करो। वहां खुशी खुशी से पहले ये करते हैं, फिर कहते हैं बेटा टर्न अराउंड, अब पीछे से। और ये बड़े मजे से लेते हैं, बड़े मजे से लेते हैं ये फुरकान भुट्टो जी। देखिए ना शक्ल से गांडू लग रहे हैं ये तो, गांडू है तू, गांडू पूरा। कहां क्या डालना है, किस होल में डालना है, वो बातें हो रही थी, वो ठीक था ना? ना ना, नो थैंक यू, मुझे नहीं बनना आपकी बहन। आप अपनी बीवी को बनाओ अपनी बहन, ठीक है ना? तुम लोग अपनी बहनों के ऊपर तो चढ़े जाते हो, घर में अपनी बच्चियों के ऊपर चढ़ रहे हो और फिर आगे मुझको यहाँ बकवास कर रहे हो। तो अभी एक बंदा पकड़ा गया है पाकिस्तान में, मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी उस दिन, अपनी बेटी के ऊपर चढ़ा हुआ था, अपनी बेटी के ऊपर चढ़ा हुआ था। और एक और मुल्ला जी हैं जिनको मैंने पकड़ा है रंगे हाथों, और वो मुल्ला जी को मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि फेसबुक ने उनकी आईडी ब्लॉक कर दी है, और करनी भी चाहिए थी क्योंकि जिस तरह की उन्होंने हरकतें की थी और जिस तरह की तस्वीरें वो भेज रहे थे ना मुल्ला जी, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के, जितने ये हर्रामी होते हैं ना, जितना फ्रस्ट्रेटेड हर्रामी बंदा होगा ना उतनी लंबी उसकी दाढ़ी होगी। दाढ़ी उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हमारी दाढ़ी है तो हमें जो है ना हम सब कुछ कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं।
क्योंकि दाढ़ी सर्टिफिकेट हो जाती है ना उनके पास, उनके लिए ये वैक्सीनेशन पासपोर्ट होते हैं ना ये, तो मुसलमानों के पास ना ये दाढ़ी का पासपोर्ट है कि हमारे पास दाढ़ी है तो हम तो बड़े नेक ही हो। फिर कोई एक और बंदा आया तो उसने, क्योंकि ये हमेशा फिरकाबाजी करता रहता है ना, वो काफिर वो कफर वो काफिर वो काफिर ये काफिर वो काफिर, भाई कलोड़ा सारा दिन काफिरों के यूट्यूब पे बैठ के काफिरों का इंटरनेट यूज करता है, काफिरों का कंप्यूटर यूज करता है, तो काफिरों का फोन यूज करता है, भाई कलोड़ा काफिरों की शिट भी खा लेगा ये अगर इसको खानी पड़े। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। फिर एक बंदे आए वहां पे लॉजिक लेकर अपनी के ओरल सेक्स क्यों नहीं करना चाहिए। लॉजिक, ये लॉजिक के पता हूँ कहाँ से लाते हैं ये लोग, वहां जाते हैं मौलवी साहब के पास और कहते हैं मौलवी साहब जरा अंदर ना कुछ फंस गया है, मौलवी साहब निकल नहीं रहे, मेरे को कब्ज हो गया, मैं क्या करूं। तो मौलवी साहब कहते बेटा इधर आओ बेटा मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। तो मौलवी साहब यूं बुलाते हैं और अपना हाथ जो है ना पूरा अंदर दे देते हैं। फिर वहां से वो देख लिया आप लोगों ने वीडियो भाई कि मौलाना कैसी कैसी हरकतें करता है भाई, मौलाना कितना गंदा है, कितनी घटिया घटिया हरकतें करता है ये। पाकिस्तान में जो मस्जिद है भाई वहां पर लड़कियों को बुलाता है, लड़कों को बुलाता है, उनके साथ गलत करता है भाई, मौलाना इतना घटिया हो सकता है भाई। मैं तो इस मौलाना पे कभी जिंदगी में विश्वास नहीं करूंगी। आप लोग कर सकते हैं इस पे विश्वास। तो और जब किसी लड़की का हलाला होता है तो ये मौलाना सबसे आगे लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है कि मेरे साथ कर लो मेरे साथ कर लो भाई। और मौलाना जो है मजे लेने के लिए उन लड़कियों के साथ जो है हलाला करवाने के लिए तैयार हो जाता है और उनके साथ सुहागरात मनाता है और उनके मजे लेता है भाई। और मौलाना सबसे आगे जाके इसीलिए खड़ा होता है, वो तो सबके मजे लेता रहता है, वो उन लोगों को बिल्कुल तसल्ली दे देता है कि मैं इसके साथ जो है शादी करके इसके साथ सुहागरात मना के इसे तलाक दे दूंगा तो भी लोग भी खुश हो जाते हैं कि भाई ये तो ठीक है, इसके साथ हलाला करवाना बिल्कुल ठीक है। तो भाई मौलाना ऐसी ऐसी हरकतें करता है, देख ही लिया होगा आप लोगों ने वीडियो में। तो आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।